यशोमती मैया के नंदलाला। मुझे क्या पता था कान्हा कि तू सच्ची में आने वालों है, ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा ले, अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा, इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा, यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैना का रंग हो, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे, आया रे माखन का चोर। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल, ये छल से भरा है ये नखट बड़ा चिचोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? हाँ। तो लो फिर, अब खाएगो जी मेरा माखन। वानर वराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं? इसकी जीत अधिक लोप लपाए, वो ही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। लो दाऊ, ये आपका। सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो? भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे हैं जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये। बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री, कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के
दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है, इसीलिए कृष्णा जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित है देवी। अब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित चोर कहकर भी पुकारेगा। वो इन्हें प्रेम से चित चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित चोर तो है ये, इन्होंने केवल गोपियों का नहीं अपनी मैया का भी चित चुराया है। कान्हा देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला मुझे पता है तू खम्बे के पीछे छुपो है, बाहर निकल। माया रुक, लल्ला ठीक है मतिया, मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूं। ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? हाँ। ये तो फिर से माखन बांट रहे है, इसका इतना साहस? यदि यही सब करनो थो तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर जे तो चोरी कर रहा है, इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। दो वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है। और चाहिए? नाना, नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोग बहुत भयानक राक्षस है। पर कान्हा, अभी तो गले तक ही गए और माखन पूरे मटके छट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुँचे है। हाँ, भूत अभी मेरी भी ना मिटी है। वसंता, इसे तुम ले लो। ना लोग बहुत भयानक राक्षस हैं। जी अच्छी बात ना है काना, अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिल जाती। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खाए हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती,
बल्कि प्रसन्नता से खिल-खिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी, उसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये मानव महाराज पूछे थे इसीलिए। कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, दो गुनों से भी अधिक मिलेगो। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने, बस आप मैया को कछु मत बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? कान्हा, मौसी अब सब गए, मैं भी जाऊं। किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। भूला भाला